स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि कि गाइस जो बेनिफिशरी स्टेटस है उसको आप किस तरह से चेक करोगे, क्योंकि गाइस अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन हुए हैं तो गाइस उसमें पीएम किसान सम्मान निधि जो पोर्टल था हमारा उसमें पूरा न्यू अपडेट आ चुका है। मतलब गाइस पूरा का पूरा पोर्टल है वो चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा पोर्टल गाइस जो न्यू अपडेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके अंदर में हम जो अपने बेनिफिशरी स्टेटस को किस तरह से चेक करेंगे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं गाइस और चेक करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कोई से भी आपका एक ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, आप भी गाइस क्रोम ब्राउजर को ही ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में गाइस आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ की न्यू टैब ओपन कर लेनी है। न्यू टैब ओपन करने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है कि पीएम किसान लिखकर सर्च कर देना है। मैं यहाँ पर पीएम किसान लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर पीएम किसान लिख दिया है गाइस। अब मैं यहाँ पर जैसे इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर जो गाइस आप देखते हो ये ट्विटर का पॉपुलर आ चुका है। यहाँ पर पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है गाइस कि इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पीएम किसान वाली वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले गाइस आपको थ्री डॉट पर चले जाना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है ताकि गाइस आपको वेबसाइट का जो लुक है वो बढ़िया देखने को मिले। यहाँ पर आप देखते हो गाइस कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट आ चुका है। ये पूरे फंक्शंस गाइस पहले यहाँ पर नहीं दिए हुए थे, मतलब पहले फंक्शंस थे गाइस लेकिन इस तरह से नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने न्यू अपडेट के अंदर में कन्वर्ट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पेश किया है गाइस। तो आप देखते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट है। और गाइस यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो आज 12th इंस्टॉलमेंट है वो आज ही के दिन रिलीज हुई है। यहाँ पर आप देखते हो नोटिस भी दिया हुआ है उन्होंने ऊपर ही ऊपर, और यहाँ पर EKYC मैंडेटरी यानी EKYC वालों को ही शायद इन्होंने दिया है, जिनकी EKYC नहीं हुई थी उनको यहाँ पर जो है पीएम किसान ने सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हो गाइस अभी हमको बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना है। तो कैसे हम बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको फार्मर्स कॉर्नर वाले ऑप्शन पर जूम करना है। यहाँ पर आप जैसे ही जूम करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला EKYC वाला ऑप्शन से जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ पर कर सकते हो। दूसरे में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आप नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स, अगर आपका आधार में फेलियर रिकॉर्ड्स आ रहा है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पर गाइस बेनिफिशियरी स्टेटस जो हम आज की वीडियो में चेक करके दिखाने वाले हैं। और गाइस नीचे ऑप्शंस के बारे में आप देख सकते हो, बेनिफिशियरी लिस्ट अपडेटेशन टू ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स डाउनलोड KCC फॉर्म ऑफ ऑनलाइन रिफंड। गाइस यहाँ पर बहुत से ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप हेल्प डेस्क भी देख सकते हो, हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से गाइस ये न्यू अपडेट है। अभी हम बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो आपको बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यानी कि फोर्थ नंबर पर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि पूरा यहाँ पर भी जो है उन्होंने अपडेट कर दिया है, कुछ ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहले कुछ अदर ऑप्शन देखने को मिल रहा था गाइस। तो यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर लीजिए। मैं मोबाइल नंबर से करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट रहने देता हूँ। मोबाइल नंबर सिलेक्ट रहने के बाद में यहाँ पर मेरे को मोबाइल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने मोबाइल नंबर और कैप्चा दोनों ही फिलअप कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे जैसे गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हो गाइस कि कुछ इस प्रकार से मेरा जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो काफ़ी आसान तरीके से निकल कर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हो गाइस। तो आशा करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हम चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।